औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक में बहुत से राज छुपा रखे हैं। इसमें ऐसी हैरत अंगेज़ तख्लीकात भी हैं जिनके बारे में आप जानकर शश्तर रह जाएंगे। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ हैरत कदा, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दुनिया के वो हैरत अंगेज़ हकायक जिनसे आप पहले वाकिफ न थे। शुमाली कोरिया में आप किस तरह के बाल नहीं रख सकते? इंसानों के नामों में दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम कौन सा रखा जाता है? नील आर्मस्ट्रांग के बाल कितने में फरोख्त हुए? पैदाइश के वक्त इंसानी जिस्म में कौन सा उज्व नहीं होता? किस जानवर का जिस्म मरते दम तक बढ़ता रहता है? और किस मुल्क में जाकर आप दुनिया से 7 साल पीछे चले जाते हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक इंतहाई हैरान कुन अंदाज में की है। आपके जिस्म में खून की तरसील की नालियों की कुल लंबाई 60,000 मील यानी 9,656 किलोमीटर के बराबर है। अगर इंसानी नालियों को खोल कर सीधा किया जाए तो उनकी कुल लंबाई 6,000 मील बनती है। क्या आप जानते हैं कि लीमू जब कच्चा यानी सब्ज़ होता है तो उसे पानी में डाला जाए तो वो डूब जाता है, जबकि पक्का हुआ लीमू पानी में डूबता नहीं बल्कि तैरता रहता है। पिज़्ज़े से कौन वाकिफ नहीं, और हम अक्सर पिज़्ज़ा खरीदते रहते हैं। अगर आप 12 इंच के 2 पिज़्ज़े खरीदें या 18 इंच का 1 पिज़्ज़ा तो कौन से पिज़्ज़े का हजम ज़्यादा होगा और आपको किस में फ़ायदा है? आप ये जानकर हैरान होंगे कि 18 इंच का 1 पिज़्ज़ा 12 इंच के 2 पिज़्ज़ों से ज़्यादा हजम रखता है। नाज़रीन, तमाम फल दरख्त के साथ ऊपर से नीचे की तरफ लटकते हैं, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि केला वो फल है जिसके दरख्त की शाखें और केले का फल ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लटका होता बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ फलता फूलता है। आपने मोनालिज़ा की पेंटिंग तो देखी होगी। मोनालिज़ा की पेंटिंग दुनिया में खूबसूरत और महंगी तरीन पेंटिंग्स में शुमार होती है। आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि मोनालिज़ा की तस्वीर में उसकी भवें नहीं हैं और उसकी तस्वीर बगैर भवों के है। नाज़रीन, दुनिया में हर इंसान अपनी पहचान के लिए अपना मुनफरद नाम रखता है और हर इंसान का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है, मगर ये मालूमात आपके इल्म में इजाफा करेंगी कि मोहम्मद नाम ऐसा नाम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों का रखा जाता है। दुनिया में खुदकुशी के लिए लोग बहुत से तरीके इख्तियार करते हैं, मगर आपके लिए बात हैरानगी का बायस होगी कि इंसान कभी भी अपनी सांस को रोककर खुदकुशी नहीं कर सकता। कभी आपने गौर किया कि जब आप अंग्रेज़ी में गिनती लिखते हैं तो 1,000 तक की गिनती लिखते वक्त लफ्ज़ ए किसी एक हर्फ में भी नहीं आता। ये बात भी आपके लिए अचंभे का बायस होगी कि चांद पर 16 जुलाई 1969 में कदम रखने वाले सबसे पहले अमरीकी साइंसदान नील आर्मस्ट्रांग के बाल सन 2004 में $30,000 में फरोख्त किए गए। नाज़रीन, आज अमरीका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, मगर टॉयलेट पेपर के ईजाद होने से पहले अमेरिका के लोग टॉयलेट में मकई यानी भुट्टे के छिलके इस्तेमाल किया करते थे। आपने शहरों में सड़कें और चमचमाती गाड़ियां तो देखी होंगी, मगर इटली का शहर वीनस एक ऐसा शहर है जो पानी में आबाद है। यहां सड़कों की बजाय नहरें और गाड़ियों की बजाय कश्तियां इस्तेमाल की जाती हैं और पूरे शहर में कोई एक भी सड़क तामीर नहीं की गई। नाज़रीन, इंसान ज़माना कदीम से ही कैलेंडर के ज़रिए अपनी तारीख का तयन करता है और आज की दुनिया इस कैलेंडर के मुताबिक एक ही वक्त में ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन एथोपिया एक ऐसा मुल्क है जहां आप जाएंगे, आप मुकामी कैलेंडर के हिसाब से 7 साल पीछे चले जाएंगे। यानी अगर आप सन 2022 में एथोपिया जाते हैं तो वहाँ 2015 का कैलेंडर चल रहा होगा। हकीकत यह है कि एथोपिया का कैलेंडर मुकामी है और यह कैलेंडर दुनिया के राइज कैलेंडर से 7 साल पीछे है।
नाजरीन, दुनिया भर में मर्द और ख्वातीन बनने संवरने के लिए अनोखे और अछूते हेयर स्टाइल इख्तियार करते हैं, मगर इस तरह की आज़ादी आपको शुमाली कोरिया में नहीं मिलेगी। शुमाली कोरिया में सिर्फ 28 तरह के हेयर कट्स मुतारफ करवाए गए हैं। वहाँ पर मर्दों और औरतों के लिए 14-14 हेयर कट मखसूस किए गए हैं। इसके अलावा किसी और किस्म के हेयर कट पर मुकम्मल पाबंदी है। सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला आज की नौजवान नस्ल का एक पसंदीदा मशरूब है। कोका कोला से कौन वाकिफ नहीं, और यह दुनिया का एक मशहूर तरीन मशरूब है। क्या आपको मालूम है कि कोका कोला पूरी दुनिया में हर जगह दस्तियाब है, मगर यह प्रोडक्ट आपको शुमाली कोरिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि शुमाली कोरिया में कोका कोला पर मुकम्मल पाबंदी है और वहाँ पर सिर्फ उनके अपने मुकामी कोलाज इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन, हम जानते हैं कि एक उम्र के बाद इंसानों और जानवरों के जिस्म की बढ़ोतरी का अमल रुक जाता है, मगर केंगरू एक ऐसा वाहिद जानवर है जिसके जिस्म की बढ़ोतरी उसकी मौत तक जारी रहती है। हमने अक्सर घोड़े पर बैठे हुए सिपाही के स्टैचू या मुजस्मे देखे हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि घोड़े की मुख्तलिफ हालतें उस सिपाही की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ अयां करती हैं। जैसे अगर घोड़े की दोनों टांगें ऊपर हैं तो वो सिपाही जंग में मारा गया है। अगर घोड़े की एक टांग ऊपर और बाकी तीन टांगें नीचे हैं तो इसका मतलब है कि वो सिपाही जंग में जख्मी होने के बाद फौत हुआ। मजीद ये कि अगर घोड़े की चारों टांगें नीचे जमीन पर लगी हुई हैं तो इसका मतलब है कि इस पर मौजूद सिपाही कुदरती मौत मरा है। नाज़रीन, तमाम जानवर अपनी जुबान को मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, मगर ये एक हैरान कुन हकीकत है कि मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो कभी भी अपनी जुबान मुंह से बाहर नहीं निकाल सकता। आप ये बात तो जानते हैं कि तमाम इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, मगर क्या आपको ये मालूम है कि हर इंसान की जुबान के प्रिंट भी दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ होते हैं। हम अमूमी तौर पर यह समझते हैं कि इंसान की पैदाइश के वक्त उसके तमाम जिस्मानी अज़ा मुकम्मल होते हैं, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि हर बच्चे की पैदाइश के वक्त उसके घुटने की हड्डी के कप मौजूद नहीं होते। अगर आप गौर करें तो आप ये जान पाएंगे कि बच्चे की उम्र 3 साल होने के बाद ये कप बनना शुरू होते हैं। दूध से दही बनाना हमारे माशरे का एक आम मामूल है, मगर ऊंट एक ऐसा जानवर है कि जिसके दूध को कभी भी दही की सूरत में जमाया नहीं जा सकता। हर जमाने में बच्चे मुख्तलिफ खिलौनों से खेलते हैं, मगर ये हैरान कुन हकीकत है कि दुनिया का कदीम तरीन खिलौना छड़ी को शुमार किया जाता है। नाज़रीन, इंसान समेत जानवर अपनी जुबान को मुंह से बाहर निकाल कर उसको लंबा कर सकते हैं। जराफा एक ऐसा जानवर है जो अपनी जुबान को 20 इंच तक बाहर निकाल सकता है। पत्थर के जमाने में जब इंसान ने आग जलाना सीखा तो उसके बाद आग जलाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें ईजाद हुईं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सिगरेट लाइटर माचिस से भी बहुत पहले ईजाद हो चुका था। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहावत पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और मालूमती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।